आवाज आ रही है ना, तो हम स्टार्ट करें फिर। ये अपने पास एक्रेलिक वाइट कलर है, ठीक है, उस दिन रह गई थी तो थोड़ा नेटवर्क इशू भी था। हमने ब्लैक शीट के ऊपर डिज़ाइन अपने ट्रेस कर लेना है, ठीक है, जो आपने डिज़ाइन बनाना है। इनके मेन आर्टिस्ट हमने उस दिन बात करी थी, मदन दास जी सौरा आर्ट के। ठीक है, तो अभी एक बार मुझे कंफर्म कर दो कमेंट में भी, ताकि सबको लाइव हो चुकी है ना। जो हमने स्ट्रेट लाइनें लगानी है उसके लिए हम ये लाइनर आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, फाइन आर्ट के स्टूडेंट को तो पता ही होएगा, तो इससे हम स्ट्रेट लाइनें लगा सकते हैं। बाकी हम ब्रश से करेंगे, तो ब्रश आप राउंड ब्रश यूज़ करो, जीरो नंबर या पॉइंट जीरो जीरो भी कर सकते हो, बेस्ट रहेगा अगर आपके पास राउंड कलम है। कलम के क्या है, लेंथ ही हेयर होते हैं तो स्ट्रोक अच्छे लगते हैं उसके, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, पहले लाइनें लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो हमारे पास स्केल रहता है ना, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे ये तो स्टील वाला है तो इसके पीछे मैंने लगा रखी है, उसको आपने उल्टा यूज़ करना है। उल्टा रखोगे तो वो उसका क्या है, स्पेस रहेगी शीट और स्केल के जो बीच में है, स्पेस हो जाएगी, तो जब हम लाइन लगाएंगे तो कलर उसको टच नहीं करेगा, वो फैलेगा नहीं, लाइन सीधी लगेगी, ठीक है। सबको गुड आफ्टरनून, थोड़ा नेटवर्क इशू था इसीलिए लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने क्या है ना, लाइनर को हल्का सा ऐसे खोल लेना है, ये देख लेना है आपने, ठीक है, चेक कर लेना है। उसके लिए आप साइड में कुछ छोटा टुकड़ा शीट कर रख लो, चेक करने के लिए जाए, ठीक है। तो कलर, ये मैंने कलर में वाटर मिक्स करा हुआ है, ठीक है, ऐसे ये अभी भी कम है, इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इससे लाइन की फिनिशिंग अच्छी आएगी। आपने ऐसे लाइनें लगानी है, ठीक है, ऐसे लाइंस बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट लगेगी। अगर एक बार में ऐसे सही नहीं आ रहा तो इसको ज़्यादा खोल के, अगर आपने लाइन ज़्यादा मोटी रखनी है, ठीक है, तो खोल कर भी यूज़ कर सकते हो, तो ये ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ से, ठीक है। एक ये तरीका भी है, सेकंड फ्री हैंड भी कर सकते हो। उसके लिए स्केल आप दूसरा यूज़ करना, ये मैंने देसी जुगाड़ करा हुआ है, इसके पीछे ये गत्ता लगा के इसको थोड़ा स्पेस दिया, तो इसीलिए ये प्रॉपर अभी प्रॉपर नहीं लगी लाइन, ठीक है, क्योंकि वो टच हो जाता है कहीं ना कहीं, ज़्यादा स्पेस होगी तो लाइन सीधी लगेगी। तो ये कलम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम कलम से नहीं करेंगे, क्योंकि ये कलम बहुत ज़्यादा ब्रीक है, ये ज़्यादा मोटाई वाली है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अगर आपका हाथ अच्छा है, स्केल को आपने उल्टा करना है, उसमें स्पेस हो जाएगी स्केल में और आपकी शीट में, तो आपने ऐसी ब्रश कलम को रख के सीधी सीधी ऐसे लाइन लगा देनी है हल्की हल्की, ठीक है। तो अगर हम अभी ऐसे करेंगे तो ये एक लाइन पतली एक मोटी हो जाएगी, ठीक है।
आउट वाला फ्रेम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इनसाइड है जो वो कर लेंगे, ठीक है। जी आपने लाइनर अलग से लेना है, अलग से भी मिल जाएगा आज शॉप पे, ठीक है। बाकी जो इसका ब्रेक काम है, जो डिज़ाइन वाला है, वो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो प्रॉपर एक्यूरेसी में आ रही है, तो इसीलिए कलम को रेफर करूँगा मैं, तो कलम यूज़ करो, क्योंकि ब्रश जो राउंड ब्रश भी होता है ना, उसमें उसके हेयर ज़्यादा लेंथ ही नहीं होते, छोटे होते हैं, तो वो इधर उधर वाइब्रेशन होती रहती है, ठीक है। दूसरा जो आपने ये वाली फिंगर को ही टच करना है, पूरे तली हथेली जो होती है हमारी, उसको टच नहीं करना है बाजू की, ठीक है। उससे क्या है, हमारा हैंड फिक्स हो जाता है, तो जहाँ तो फिर उस तब यूज़ करो जब आपके इतने इतने पोर्शन की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, जैसे ऐसे कम घुमा सकते हो, ऐसे राउंड लगाना है ऐसे, ठीक है, तो तब उसको यूज़ करो। वो आपके हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। उस दिन हमने करा था वाइट ट्रेसिंग पेपर से, तो ये मैंने आज ब्लू से करा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा यूज़ करना है। अगर क्वेरी है किसी की कोई तो बता दो, ठीक है। ये कार्टेज ब्लैक शीट है जो हमने यूज़ करी हुई है, कलर आप पोस्टर भी यूज़ कर सकते हो, क्रैलिक भी कलर यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। पोस्टर करोगे तो उसमें सूखने के लिए, ड्राई होने में वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, मतलब अक्रैलिक जो होता है वो जमता रहता है, ठीक है, जल्दी सूख जाता है, तो यूज़ करने में दिक्कत रहती है। फिनिशिंग का, एक्यूरेसी का ध्यान रखना। अगर आप इसको फैब्रिक पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी क्लॉथ पे डिज़ाइन के लिए, तो अक्रैलिक दूसरा सॉरी फैब्रिक कलर यूज़ करो, उसको फ्रेम करवाने के लिए भी बेटर रहती है वो चीज़। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
इसके जो इनसाइड है इसको फ्रेम को थोड़ा ना जैसे मंडाला में हम करते हैं एक दो पैटर्न आप ड्रॉ कर लो, उसी को रिपीट करते जाओ जैसे ये फ्लावर वाला है, ठीक है। जैसे इसके हेयर बनाने हैं यहाँ पे अलग से बना दिया वो, इसमें एक और है 16:8 में हम एनिमल ही बनाते हैं ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे वो होती है ना फिगर होती है जैसे तिब्बतन आर्ट में यूज़ होती है जो, तो वो ट्रेडिशनल और ट्राइबल में आ जाती है, उसको यूज़ मत करना अगर आप बना रहे हो तो, ठीक है। इसमें हम एनिमल ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर पैटर्न बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। वो अलग आर्ट फॉर्म में चली जाएगी अगर आप इसमें फिगर ऐड कर दोगे, तो ह्यूमन फिगर नहीं ऐड करनी आपने, ठीक है। वो अलग आर्ट फॉर्म है, ये अलग आर्ट फॉर्म है। इसमें आप एलिफेंट बना सकते हो, हॉर्स वाले तो 3-4 आइडिया आपको मिल जाएंगे।
अगर आपने लाइनें पतली लगानी है ना कलम से, तो इसको अलग फुला के, कलर लगा के ऐसे डिप को पतला कर लो, ठीक है। फिर उसकी साइड फुलाओ, जैसे फ्लैट ब्रश होता है, ठीक है। कलम का यही प्लस पॉइंट है, इसको राउंड चाहो राउंड यूज़ कर लो, फ्लैट चाहो फ्लैट यूज़ कर लो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि कैसे यूज़ करना है आपने उसको। तो ऐसे ही आपने ना पैटर्न को अपने तरीके से, ठीक है, डिज़ाइन कर लेना है और उसको उसमें फिल करना है, ठीक है। सेम वैसे ही है जैसे मंडाला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है।
अगर किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, ठीक है? कुछ कंफर्म ना हो जो जिन्होंने लेट ज्वाइन कराया है। कुछ डाउट्स होते हैं तो क्लियर कर लिया करो साथ के साथ। तकरीबन अंदर वाला अपना सारा डिज़ाइन कंप्लीट है।
ये लाइन आपने ना ब्रश ऐसे हल्का टच करके जैसे जी देखो इसमें स्पेस कम थी तो इसने फैला दिया, ठीक है। जब दूसरा कांच वाला स्केल यूज़ कर सकते हैं ना, तो उसको जब उल्टा करते हैं उसमें स्पेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे लाइन प्रॉपर सीधी लगेगी, ठीक है, स्केल से। कलम से लाइन लगाते हुए एक बात का ध्यान रखना, जब आप ऐसे यूज़ कर रहे हो ना, इसकी जो डिप है आगे से ब्रश इन साइड को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, स्केल वाली साइड को। ये देखो प्रॉपर सीधी लगी है लाइन। स्केल पे आपने छोटी फिंगर ये जो है ना इसको टच करना है बस, ये ऐसे ऐसे फ्लो बनता रहेगा, ठीक है। पूरा हाथ करोगे तो वाइब्रेट होएगा।
बाकी इसका बाहर वाला जो पैटर्न है वो रह गया, वो जो हम ग्रुप में फोटो भेजेंगे तो आप देख लेना ठीक है। और आपने कंटिन्यू करना तो कर भी लो, कोई इशू नहीं। पहले हमने उस दिन वाइट ट्रेस पेपर यूज़ करा था ठीक है, आज हमने ब्लू करा हुआ है। इसमें और उसमें आपने डिफरेंस देखा होगा शायद, आपने नोट करा हो। ये देखो सूखने के बाद जब ब्लू स्टोन दे रहा है ठीक है वाइट, वो इसीलिए क्योंकि वो जो उसका ट्रेसिंग पेपर का ब्लू कलर था ठीक है, इसके ऊपर शीट के ऊपर लगाओ वो इसमें मिक्स हो गया, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ब्लू ट्रांसपेरेंसी दे रहा है। तो कोशिश करो आपको वाइट ट्रेसिंग पेपर मिल जाए तो उसी को यूज़ करो, अगर वो नहीं है तो आप येलो यूज़ करो ठीक है। ये देखो यहाँ से ये मध्यम हो गया भाई ठीक है, तो इस चीज़ का फर्क है।
बाकी यहाँ कॉर्नर पे हम अपना कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम ये उधर रिपीट कर देंगे, ये इस साइड कुछ बनाना है तो सेम वो इस साइड कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज की क्लास ख़त्म, ठीक है। बाकी कंप्लीट होकर मैं पिक भेजता हूँ ग्रुप में आपको। गुड बाय, टेक केयर।